किस कदर यहाँ पर भीड़ है, यहाँ पर रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो श्रद्धालु है रुकने का नाम नहीं ले रहे और यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। लगातार अनाउंसमेंट हो रही है लेकिन इसका कोई असर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि यहाँ पर रोका जा रहा है श्रद्धालुओं को, गेटों को बंद किया गया, रास्ते को बंद कर दिया गया है, कुछ देर के लिए मंदिर में एंट्री भी बंद कर दी गई है, जिसकी बड़ी वजह ये भीड़। तमाम जानकारी के साथ अयोध्या से हमारे संवाददाता अंकुर त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर, अयोध्या की एक नई सुबह, कल प्राण प्रतिष्ठा हुई लेकिन आज की सुबह बता रही है कि रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालु कितने बेताब हैं, क्या कुछ स्थिति फिलहाल आप देख पा रहे हैं? कोशिश यहाँ पे की जा रही है, ये पहली जो आप राम जन्मभूमि का जो मुख्य द्वार है उससे आप आएंगे तो पहला बैरिकेडिंग है। यहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, मैं कैमरा मैन से कहूँगा एक बार दिखाएंगे आपको हालात क्या है। यहाँ पर अलग अलग लेयर्स में यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है जस्ट कंट्रोल करने के लिए भीड़ को, ताकि क्योंकि अंदर की साइड जो मंदिर का जो गर्भगृह है और उसके आसपास के क्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त भीड़ हो गई है और जो वॉल्यूम है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। यहाँ पर फिलहाल जो भीड़ है बैरिकेडिंग के इस तरफ, जो पहला बैरिकेडिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर इस वक्त भी आपको यहाँ पर भारी जनसैलाब देखने के लिए मिल जाएगा। उससे बैरिकेडिंग लगाई है लेकिन प्रेशर इतना ज़बरदस्त है कि देखिए बैरिकेडिंग में थोड़ा सा एक बुढ़ती हुई नजर आ रही है। पुलिस जो है, जो लोकल जो पुलिस स्टेशन है वहाँ इसके अलावा अतिरिक्त सुरक्षा बल है और SSB के जवान हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया है कि वो स्थिति को कंट्रोल कर सके। लगातार जो लाउड स्पीकर है उस पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है, आप अगर देखेंगे अंदर के साइड में, और कैमरामैन से कहूँगा आपको जो सेकंड लेयर है इसके बाद की लेयर वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे उसके आगे की, जहाँ पे हालात और लगभग इसी तरीके के देखने के लिए मिल रहे हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु को फिलहाल रोका गया है अलग अलग लेयर्स में और धीरे धीरे करके उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन के लिए एक एक अच्छा खासा मशक्कत भरा दिन आप ये कह सकते हैं। अंकुर देखिए, ये तस्वीरें देखकर ये कहा जा सकता है कि वो जो 500 सालों का लंबा इंतजार था कहीं ना कहीं अब वो रुकने का नाम नहीं लेगा, ये भक्तों का सैलाब अब कहीं नहीं रुकेगा। यही वजह है कि ये तस्वीरें दिखाई दे रही है, मानो यहाँ पर किसी का संबोधन होना है और लोग भारी तादाद में जुटे हुए हैं, लेकिन ऐसे में राम भक्त वहां पर कतारों में सुबह 3 बजे से लगे हुए हैं। अंकुर, अगर मुमकिन है तो बातचीत करने की कोशिश कीजिए। सभी अतिथि जो आए राम जी के अतिथि नहीं, मैं बिल्कुल आपसे बात करवाऊंगा लोगों की। यहाँ पर कहाँ से आए अंकल जी आप? हम कर्नाटक से हैं, पतंजलि में भी हैं। अच्छा, हालात कैसे है पहले तो देखिए जरा। हालात बहुत उत्साहपूर्ण है, उल्लासदायक है, ये वसुधैव कुटुंबकम यही इसी को कहते हैं हम। अच्छा, सभी काफी ज्यादा वॉल्यूम बहुत है लोगों का यहाँ। हाँ, वो तो एक्सपेक्टेड सारे। जैसे खड़े हुए हैं आप यहाँ पर, आप कितने टाइम से खड़े हुए? तकरीबन 9 बजे। 9 बजे 11:30 बज चुके हैं, 2.5 घंटे हो चुके हैं। अभी तो पहली लेयर भी आपने लल्ला का दर्शन तो विश्व का युग पुरुष का यजमान में कल देखे हैं हम प्राण प्रतिष्ठान को, तो ये बहुत बड़ी घटना है, एक युग का घटना है ये। लेकिन देखिए, बात वही है कि कंट्रोल करना अब यहाँ पे प्रशासन का काम है, पुलिस का काम है, और यहाँ पर अच्छी खासी मशक्कत। अब आप अंदर भी देखिए, भारी संख्या में जो पुलिस दल है वो उनको अंदर ले जाया गया है, क्योंकि अंदर जो स्थिति है वो इससे ज़्यादा खराब है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो भक्त हैं वो इस वक्त जमा है, इसीलिए अब लेयर्स में जो सिक्योरिटी बढ़ाई गई है और वहीं पर जो क्राउड आ रहा है उसको मैनेज करने की यहाँ पर एक कोशिश प्रशासन की तरफ से कर रहा है। बिल्कुल अंकुर, काफी मुश्किल नजर आ रहा है यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ को रोकना, लेकिन कहा जा रहा है कि जो गर्भगृह का द्वार है उसको भी कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि तेजी के साथ जो श्रद्धालु की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, रोकना कहीं ना कहीं मुश्किल हो गया है पुलिस बल के लिए भी। नहीं बिल्कुल, आप देखिए ना सामने तस्वीरें देखिए, यहाँ पे बैरिकेडिंग जो कर रखी है, पुलिस वालों को उस बैरिकेडिंग पर भी अपना प्रेशर लगाना पड़ रहा है, क्योंकि भीड़ जो है वो बैरिकेडिंग को तोड़ने की बार बार कोशिश कर रही है, और जो लोग हैं वो जो इस बात को समझना होगा कि एक कैपेसिटी है मंदिर की, यहाँ पर
हर किसी का भक्ति का भाव है, ये समझ में आता है, आस्था श्रद्धा का भाव है, समझ में आता है, लेकिन मंदिर की, पुलिस प्रशासन की, हर किसी की कैपेसिटी है। अब देखिए, एक वे बनाया जा रहा है ताकि लोग भीड़ तोड़ के ना जाएं, उस वे में आगे जाएं। इधर आप देख सकती हैं, एक लाइन में लोग आगे जाएं, ये एक या दो लोगों की लाइन बनेगी, उसके बाद उनको निकाला जाएगा, भीड़ में नहीं घुसे। ये कोशिश यहाँ पर पुलिस प्रशासन की है, जो मैं आपसे कह रहा था, यहाँ पर वही कोशिश होते हुए हम देख रहे हैं। अब धीरे धीरे पुलिस वाले एक कॉरिडोर टाइप का यहाँ पर बना रहे हैं, अपनी ह्यूमन चेन बनाकर, और इस ह्यूमन चेन के बीच का जो जगह है